तो मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि कुछ अहल इल्म हैं जो अपने नाम के साथ सूफ़ी बासफ़ा भी लिखते हैं लेकिन फिर भी कुरान का तर्जमा करने में डंडी मार जाते हैं क्यों ये जो मसला की तसब है ना ये मुसीबत है हम सब के लिए तसुब की वजह से हम कुरने मुकदस के मानी मफाहिम और मजामी को भी तब्दील करने के चक्कर में होते हैं क़ुरान को बदलने की कोशिश करते हैं अपने आप को नहीं बदलते जब हम अपने आप को बदल लेंगे फिर मसला हल हो जाएगा समझाने के लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कुरान पाक में एक लफ्ज़ आया है अल्लाह पाक के साथ फरमाता है वाहमा आदमा आकल्हा ठीक है वाहमा अल्लाह तिखाया सलाम को क्या कुल के कुल नाम तमाम के तमाम नाम सिखा दिए ये आयत करीमा सुन्नत की एक बड़ी अजीम और मजबूत तरीन दलील है कि अल्लाह आदम आसमाम को तमाम चीज़ों का इलम अता फ़रमा दिया ठीक है ना बात समझ आ रही है कि नहीं है अच्छा अब फरीक मुखालिफ के एक बहुत मतदब मुसन्फ़ भी हैं शेख कुरान भी हैं शेख उदीस भी हैं अपने नाम के साथ सूफ़ी साहब भी लिखते हैं उनकी किताब है मालमरफान दुरूस क़ुरान का मजमू है जो बीस जल्दों पर मुश्तमिल है। अब उसमें इस आयत का वो जवाब देते हुए लिखते हैं कि भाई यहाँ आया ना अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तमाम से मुराद कुल चीज़ें नहीं होती हैं बल्कि ज़रूरत की चीज़ें बाद मुराद होती हैं ठीक है ना बात समझ आ रही है कि नहीं अच्छा अब उस पर उन्होंने दो ऐत बतौर इस बतौर दलील पेश की कहते देखें अल्लाह तबारक मे कुरान मुक़दस में फ़रमाया बिल्किस के लिए व यत मिन कुल्ले शे अल्लाह तबारक वाले ने बिल्किस को हर चीज़ अता कर दी तो क्या बिल्किस को सब कुछ दे दिया था जहाज़ भी दिए थे एटम बम भी दिया था उस वक्त तो ये थे ही नहीं तो मतलब क्या है निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए बादशाही चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो अता की है कुल अता नहीं की है एक दलील और दूसरी दलील के कहा अल्लाह तैद की मक्की से कहा व उारब्बू का नहले अनितखसी मिनर ज वाले बो यूतम बमिन शाजर बमिम या रून सुली मिनकुल्ली अल्लाह तहद की मक्खी को वाज की पैगाम भेजा बओ हार्बा का बोहा का इलन नहले अनि तखसी मिनल जवाल तू पहाड़ों में चली जा दरख्तों में फलों में फूलों में फैल जा वहाँ से रस चूस के लिया और शहद बना अब आगे कुरान कहता है सुम्मा कोली मिन कुल्ली समरात उसने हर किस्म के फल चूस लिए अब वो मौलाना साबिरशाद फरमाते हैं यहाँ भी लफ्ज़ कुल आ गया कि नहीं आ गया व में भी कुल आ गया कि नहीं आ गया वामा आदमा आ में भी कुल आ गया कि नहीं आ गया अब इसका मतलब ये होगा कि जिस तरह मक्खी हर फल और हर दरख्त हर पौधे का रस नहीं चूसती है जो उसके मतलब का होता है जो ज़रूरत का होता है वो चूस लेती है बाक़ी नहीं तुम मुराद है ज़रूरत की चीज़ें इसी तरीक़े से बिल्किस को भी अल्लाह ताला ने हर चीज़ नहीं दी है ज़रूरत की चीज़ें दे दी हैं। इसी तरीके से वहअम आदमाआकुल्ल्हा भी अल्लाह ताली ने आदम्सम को हर चीज़ कालम नहीं दिया जो ज़रूरत के नाम थे वो सिखला दिए वो बता दिए ये बात आ गई समझ में पता चल गया अब ये ऐसा तर्जमा क्यों किया गया बस मैं यही कह सकता हूँ मेरे पास और तो कोई इससे माकूल लफ्स नहीं है ये मसल की तसब की बुनियाद पर है वगरना जो आदमी कुरान पाक की तफसी लिख रहा हो जो हदीस भी हो आखिर वो शरा में तामल तो उसने पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी ना पढ़ाई भी होगी अब जरा वो देख ले यहाँ तीन आते है हैं वाहमा आदम अलसम यहाँ कुल से पहले लफ्समिन है कि नहीं है नहीं है ना अच्छा वह ऊत यत मिन कुल्षे में मिन है या नहीं है सुमा कुली मिन कुल्ली समारत में मिन है या नहीं है तो अब अगर वो थोड़ा सा गौर फरमा लें कि दो जगह पर लफ्स मिन आया है और जब बाब आदम की बात आई तो मिन नहीं आया अब मिन कितने मानों के लिए आता है इब्तदाई तलब इलम जिसे शरहों में आती आमिल आती है ना वो भी जानता है कि मिन तबीज़ के लिए आता है अब व यत मिन कुल्ल शे का माना यह नहीं है अल्लाह ताला ने बिल्कुल इसको हर चीज़ दे दी है मिन कुल्ले हर चीज़ में से कुछ चीज़ें अता की हैं कुल अता नहीं की है। इसी तरीके से सुमा कोली मिन कुल्ले सवार के अंदर भी मिन कुल मिन आ गया ना अब इसका मतलब योगा के तमाम फलों की बात नहीं है मिन बाज़ मुराद हैं जिनकी ज़रूरत थी तो अब देखे कुरान मुकद्दस में इतना वाजे करीना इशारा मौजूद है इसके बावजूद भी इन आयात को उन पे चश्मा करके से भी बाज मुराद ले, ले तो बस मैं यही कह सकता हूं खुदा जब दीन लेता है फिर हिमाकत आ ही जाती है काश के इन आयात पे वो गौर कर लें तो मसला मिन से आसानी से समझ आ जाएगा अब ये कहदा आपको समझ आ जाएगा हाँ जी अब ये वो कायदा कुलिया ये कायदा है नह का इसमें किसी भी मकतब फिक्र का कोई अख्तिलाफ़ नहीं होता क्योंकि फन सब एक ही मानते हैं किसी भी मकतब फिक्र से किसी का ताल्लुक हो तो वो फ़ाइल को मरफू ही पड़ेगा कि मनसूब पड़ता है कोई आगे बस मफूल को मनसूबी पड़ेगा हाल को मनसूबी पड़ेगा तो भाई ये जो सरफी नावी कह दें तो इसका मसलक से कोई तल्लु नहीं होता किसी फिक्र से तल्लु नहीं होता ये सारे ही मानते हैं इसी तरह मिन मिनतबीज़ के लिए आता है ये भी तमाम मकात फ़िक्र मानते हैं तो अब मुझे ये समझ में नहीं आती है जो अपने नाम के साथ सूफ़ी का लफ्ज लिखे और फिर कुरान पाक के साथ डंडी भी मारे अच्छा नहीं लगता है ठीक है ना माता की समझ में हम तो आदाबन

आगे चल के कैदा पड़ेंगे जमा पर अगर अलफलाम आ जाए तो ये इसतराक का फायदा देता है अब मन होगा अल अलस्मा तमाम आसमा कोई नाम ऐसा नहीं था जिसका इलम अल्लाह ताला ने त्यारे आदम सलाम को ना दिया हो आगे बात समझ में अच्छा अब अल अलस्मा तमाम के तमाम नाम अब इसमें एहतमाल था तखस का हो सकता है कि बाज दिए हों या बाज ना दी हूँ तो अल्लाह ताला ने आगे क्या बोला कुल्लहा ये आगे चल के जब आप किताबें पढ़ेंगे ना दूसरा क्या नाम है कुछ तो नामीर में लफ्ज़ आ जाओगे कुल किसके लिए आता है ताक़ीद के लिए आता है, है। शाह बाशून ना याद करते भाई तु याद कर लिया करो तो कुल किसके लिए आता है ताक़द के लिए आता है जब किसी शह में तखसीस का एतमालसूल फिर पढ़ेंगे ना तो फिर आगे वो लफ्ज़ कुल जिक्र करते हैं ताकि तखसीस का एहतमाल ख़त्म हो जाए ठीक है इसको समझाने के लिए एक औरत की मैं मिसाल दे देता हूँ फिर मसला समझ में आ जाएगा अल्लाह इरशाद फरमाया फासा जदल मलाए का तो कुल्लुहम ठीक है ना अब पहले क्या था फ़ासदल मलाय का तो सजदा किया किसने अलमलाए का फरिश्तों ने एतमाल था कि हो सकता है बाज ने किया हो बाज ने ना किया हो इमकान था ना तो आगे क्या कहा फासा जदलमलाए का तो तमाम ने किया कुल ने आकर ये जो तखसीस का एहतमाल था ना ये जो तख्सीस का इस्तेमाल था यानी बात ने किया हो बात ने ना किया हो कुल ने आकर इस तखशीस के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया मानोगे तमाम फरिश्तों ने सजदा किया

आगे बात में तो अब अजमा ने आकर वो जो एहतमाल था ना तावील का उसका खत्म कर दिया तमाम ने किया और बैक वक़त किया मसला समझ आ जाएगा तो अब इसी तरीके से आदम आदमा यहाँ तकसीस का एहतमाल था हो सकता है बाज नाम बताए हूँ और बाज ना बताए हूँ अल्लाह ने लफ्ज़ कुल लगा कर ये तखस का एहतमाल ख़त्म कर दिया कोई नाम ऐसा नहीं है जिसका इलम अल्लाह ने प्यारे आदम सलाम को ना दिया हो अब ये मसला समझ में आ जाएगा अब इस पर फरी के के मैं आपको पता है नाम नहीं लिया करता एहतराम बुजुर्ग लोग होते हैं हम उनको क्यों कुछ कहें सिर्फ मसला समझाना चाहता हूँ मेरा मकसूद नफ्से मसला की तोजी करनी है आगे बात समझ में तो अब बाज उनके अहले इल्म ने इस पर एक इशकाल पैदा कर दिया एक एतराज किया देखिये एक होता है इसम एक होता है मुसम्मा आपका नाम क्या है अली रजा ठीक है इसका मिसला कौन बनेगा ये डांचा बैठा हुआ है ये इसका तशखस है इसकी हयात का है अली रजा नाम है और इसका वजूद लफ्ज अली रजा का मिशाक इसको कहते हैं मुसम्मा ठीक है ना तो नाम के आने से मुसम्मा का इल्म आदय कोई जरूरी नहीं है मसलन आपकी क्लास में बीस लड़के बैठे हैं आप बाहर बैठ जाए और मुझे 20 लड़कों के नाम लिख के कागज पे दे दिए आप कहेंगे इस क्लास में 20 लड़के हैं अब 20 के मैंने नाम पढ़े नाम तो मुझे आ गए अब मुझे यह पता नहीं होगा कि उसमें अली रजा कौन है मुदसर कौन है वसीम कौन है यह कब पता चलेगा जब इनको मैं देखूंगा आप बताएंगे कि ये अली रजा है ये मुदसर है ये वसीम है ये साध है ये फला फिर पता चलेगा अब फरीके मुखालिफ के बंदे भी बड़े हैं मैं उनको कह भी कुछ नहीं सकता हूँ तो अल्लाह अल्ला तबारक वा अल्ला ने नाम बताए हैं एक होता है नाम का इलम एक होता है मुसमा लिहाजा अल्लाह ने असमा का इलम दिया मुसमियात का तो नहीं दिया ना तो लिहाजा फिर भी इलम कुली साबित नहीं होगा फिर वही मसला की तस्व आ जाएगा तो अल्लाह तबारक ने इस इश्काल का भी रद्द कर दिया इसको भी रद्द कर दिया क्यों फिर अल्लाह इलम था इतराज करेंगे तो अल्लाह ने बात यहां खत्म नहीं की आगे भी क्या फरमाया रा फिर अल्लाह ताला ने उन चीजों को भी बाबे आदम के सामने पेश कर दिया ठीक है? अल-अस्माय में असमा का इलम था मुसमियात का इलम था सिर्फ समझाने के लिए मैंने मिसाल दी थी वगरना चेह निसबत खाकर पाक जैसा कि मैंने कहा आपकी क्लास बाहर बैठी है मैं नहीं जानता आपको तो मुझे आकर आसिफ अली जरदारी ने आके बता दिया कि भाई ये बीस लड़कों के नाम है मैंने नाम तो याद कर लिए मुझे ये पता चल गया ये फला फला का नाम है आपका पता ऊपर से फिर गया आपको लेके आ गया जी जी ये अली रजा है ये मुदसर है ये खान साहब है ये वसीम है तो अब मुसमियात कालम आ गया कि नहीं आ गया अब अल्लाह तबारक वाली भी जानता था कि ये लोग इतराज़ करेंगे अल्लाह ने असमां कालम दिया मुसमियात कालम नहीं दिया तो अल्लाह तला ने फिर आगे उसका जवाब दे दिया नहीं भाई सिर्फ असमा कालम नहीं दिया अल्लाह तबारक व ने उनको प्यारे आदम के सामने पेश भी किया ताकि प्यारे आदम नाम भी जान लें और मुसमियात को भी जान लें तो ये वो आयत है जिससे प्यारे आदमत सलाम का इल्म कुल्ली नस् सरी से साबित हो रहा है तो ये अल्लाह ताला त मदरसे के पहले स्टूडेंट है पहले तालबिल है और आखिरी तालबिल हजूर की ज़ात है यह है मदरसा अल्लाह त जहाँ अम्बैया पढ़ते हैं ठीक है ना तो पहले तलब इलम का इल्म इतना है तो जो सबसे आखिर में आया है और जिस पर तमाम उम्मत का बिला तफरीक इतफाक़ है हज़ूर सलात वसलाम की जात यकदस आलमक तमाम मखलूक से ज़्यादा इलम रखते हैं आगे समझ आलमलक है तो जब आलमक है तो जब उस मखलूक में प्यार आदम जैसी झात मौजूद है जो हर चीज़ के इलम जानते हैं तो हजूर तो उनसे भी आलम और आलम भी इसमें तबील है ना यानी मुकाबले में सारी मखलूक काीम का, एक और आका करीम का इसको थोड़ा सा पीछे ले जाए फरिश्तों का एक तरफ अकेले बाब आदम का एक तरफ जीत गया ना बाबा आदम इलम जीत गया ना तुम भी औलाद आदम हो क्या नहीं हो तो हमें भी इलम में जीतना चाहिए ना मुकाबला किसमें होना चाहिए इल्म। इल्म तो बात हम क्या कर रहे थे जिन उलमान ये कहा वसमाक से जरूरत वाली चीजों के मुरादे। मुराद नहीं है। उन लोगों ने गौर नहीं किया उन आयात को बतौर दलील पेश किया अब उनको शायद ये ख्याल होगा कि इस तफसर को पढ़ने वाले हमारे सामीन में किसी को शराह में तमिल नहीं आती होगी उसको क्या पता चलेगा लेकिन बाबा सादी फरमाता मिया गाल कर दे, सोच दी अगर बाबा सादी फरमाते मत गुमान करके ये जंगल खाली है शायद उसमें कोई चीता सोया हुआ हो मत गुमान करके तुम्हारे मजमे आम में सारे अनपढ़ बैठे हो सकता है किसी को शरा महिर भी आती हो आ जाएगा मसला समझ में जेर नशीन हो जाएगा कायदा कानून तो हमने इस्तलाल पेश किया है और मैंने आपको पहले कहा था कि हमारा अंदाज जो है ना वो हम इनशा लजीज़ गैर महजब नहीं तहजीब के दायरे में दलील की सूरत में बात करें फिर बात पत, बात पक्की होती है ठीक है ना गैर महजब लोगों की बातें सुनना भी गलत होती है गैर शाइस्ता बोल जो आदमी गुफ्तगु में तकरीर में गाली निकाले ना उसकी तकरीर सुनना भी फजूल है नहीं सुननी चाहिए ठीक है बात नहीं समझ आई तो इलम वालों की बातें सुने जो कुरान सुन्नत पेश करें आगे बात समझ